नमस्कार साथियों, टुडे टॉक पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। राजस्थान वनरक्षक वनपाल भर्ती को लेकर कुछ सवाल आपके आए हैं कि सर एग्जाम सेंटर को लेकर बताइए कि होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम लगेगा या बाहर लगेगा। काफी जो फीमेल कैंडिडेट है, जो लड़कियां हैं, उनको इस बात को लेकर चिंता है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि एग्जाम कब होना है। एडमिट कार्ड को लेकर अभी से चिंता सताने लग गई है। तो इन सब चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम सेंटर को लेकर बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए आपको ध्यान से देखना है, वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा जिला मुख्यालयों पर नवंबर में होगी। कहां पर होगी? जिला मुख्यालयों पर होगी, खाली तहसील स्तर पर नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर यह बताया गया है 2399 पदों पर वनरक्षक वनपाल के मिलाकर यह भर्ती परीक्षा होनी है। 6 नवंबर को आपको पता है किसकी है, वनपाल की परीक्षा है। 12-13 नवंबर को किसकी है, वनरक्षक की परीक्षा है, ठीक है। अब यहां पर कुल 22 लाख आवेदन हुए हैं, यह भी इसमें बताया गया है। और यहां पर यह मेंशन किया गया है कि प्रदेश के 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, वहीं वनरक्षक के टोटल 30 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो 30 जिलों के अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। यह बात तो तय है कि लड़कों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। जैसे मान लो किसी ने सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट, मान लो किसी का सीकर है, तो उसको हो सकता है जैसलमेर जाना पड़े, बाड़मेर जाना पड़े, गंगानगर जाना पड़े। किसी ने होम डिस्ट्रिक्ट में चूरू सेंटर लिया है, हो सकता है उसको उदयपुर जाना पड़े, जोधपुर जाना पड़े। लेकिन लड़कियों को ये थोड़ी छूट दी जाती है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सेंटर दे दिया जाता है। तो यहां पर तो देखो मेंशन नहीं किया गया है कि लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट ही सेंटर दिया जाएगा, लेकिन ये बात बताई गई है कि वनपाल के पदों के लिए जो अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए, क्योंकि इसमें क्या है, आवेदक भी कम है और पदों की संख्या भी कम है। तो यहां पर परीक्षा केंद्र लिमिटेड रखे गए हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो बच्चों की किसमें, वनरक्षक में है, तो अधिक केंद्र रखे गए हैं। और ये तय है जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में अफरा तफरी होती है, इधर उधर पटका जाता है, वैसे ही इसके अंदर किया जाएगा। और बात करूं मैं एडमिट कार्ड की, तो भाई एडमिट कार्ड जो है वो आपका 7 दिन पहले जारी होगा, 7 दिन पहले जारी होगा। हो सकता है एग्जाम सिटी और टाइम है वो आपका 10 दिन पहले जारी हो जाए, लेकिन 7 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। तो अभी फिलहाल आपको एडमिट कार्ड परीक्षा सेंटर की कोई चिंता नहीं करनी है। देखो जीवन में सफलता पाना है तो छोटी मोटी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो उनकी चिंता छोड़ो, अभी तैयारी की चिंता करो। और धोरा क्लासेस पर फ्री में हम आप लोगों को दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके की क्लासेस शुरू करवा दी है। धोरा क्लासेस पर आप जाकर देख सकते हो, हर सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 क्लासें हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में मैथमेटिक्स की क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। आप लोगों में से काफी लोगों ने मांग की है, तो जरूर आप धोरा क्लासेस पर एक बार विजिट करें। धोरा क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम आपको पूरी तैयारी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एग्जाम तक अगर आप साथ बनाए रखोगे तो डेफिनेटली हम मिलकर सफलता पाएंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको लिंक दिखाई देंगे, वहां पर आप क्लिक करके धोरा क्लासेस पर पहुंच जाओगे और कोई भी क्लास आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब पर, फ्री में आपको इतनी क्लासें राजस्थान में अभी फिलहाल कोई वनरक्षक वनपाल के लिए नहीं दे रहा है, तो अभी जुड़ी है। और वनरक्षक वनपाल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप जुड़िए, क्योंकि वहां पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज भी देते हैं, साथ में पीडीएफ वगैरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहां आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो जरूर आप जुड़िएगा। बाकी दोस्तों ये वाली जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।